हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू वन मोर प्रोजेक्ट वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आया हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने हैंड जेस्चर के बेस पर अपने मीडिया प्लेयर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो विदाउट टचिंग योर कीबोर्ड। विद द हेल्प ऑफ वेबकैम आप अपने मीडिया प्लेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, लाइक प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन। ये सारे के सारे फीचर्स मैंने इसमें ऐड कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बट इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसे डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले इस प्रोजेक्ट का डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं और उसके बाद इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा लिया है और आप लोगों को यहाँ पर तीन डिफरेंट स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जो सबसे पहली स्क्रीन है और सबसे बड़ी स्क्रीन है, ये आपकी रिजल्ट स्क्रीन है। इसे मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। डिवाइड मैंने इसलिए कर रखा है सो दैट अगर आपको कोई भी चीज डिटेक्ट करानी है तो आप फर्स्ट हाफ में उसे प्लेस कर दोगे और उसे ट्रैक बार की हेल्प से डिटेक्ट करा लोगे। लाइक मुझे अपना हैंड डिटेक्ट कराना है या बॉल डिटेक्ट करानी है या फिर कोई भी स्पेसिफिक कलर डिटेक्ट कराना है जिसकी हेल्प से मैं अपने मीडिया प्लेयर को कंट्रोल करूंगा। बट अभी के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करा सकते हो। जो मैंने कोड लिखा है या फिर जो अप्रोच यूज करी है वो सिंपल मैंने अपने हैंड के लिए करी है, क्योंकि आपको अपने हैंड जेस्चर से उसे कंट्रोल करना है। तो आप जो फर्स्ट हाफ है मेरी रिजल्ट स्क्रीन का, उसमें अपने हैंड को प्लेस करोगे और ट्रैक बार की हेल्प से उसे डिटेक्ट कराओगे। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे डिटेक्ट कराओगे। जो सेकंड स्क्रीन है, ये आपकी थ्रेशोल्ड स्क्रीन है, मतलब जैसे जैसे आप इस ट्रैक बार को सेट करोगे यहाँ पर आपका हैंड डिटेक्ट होता रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ऑपरेट करके दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना हैंड प्लेस करा लिया है गाइस, और अब मैं इसे यहाँ से मूव कराना स्टार्ट करता हूँ। तो जो मेरा हैंड डिटेक्शन के लिए जो मुझे वैल्यू सेट करनी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। लोअर एज की वैल्यू जो होगी वो आप 90 प्लस होनी चाहिए, मतलब 90 से लेके 96 के बीच में। तो मैंने इसे अभी के लिए यहाँ पर 94 फिक्स कर दिया है। आपको हैंड डिटेक्ट कराने के लिए बस इतना याद रखना है कि इसकी जो ये वैल्यू है वो 90 से लेके 96 के बीच में कुछ भी होनी चाहिए, और ये गाइस फिक्स है, इससे आपका जो हैंड कलर है वो डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी लोअर एस की वैल्यू है, मतलब लोअर सेचुरेशन वैल्यू, इससे आप 40 से अब रखोगे, मतलब 40 से लेके 50 के बीच में कुछ भी हो सकती है। एंड देन योर लोअर वी वैल्यू, इसे आप 60 के अप्रॉक्स में रख दोगे तो आपका जो हैंड है वो प्रॉपरली डिटेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसे 60 तक लेके जाता हूँ और फिर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे कि मेरा हैंड अच्छे से डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस अगर आप देखोगे तो मैं अपने हैंड को यहाँ पर देख रहा हूँ और काफी अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे कॉन्टूअर्स और जो भी यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट है सब कुछ अच्छे से डिटेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा हैंड यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है गाइस। इस पोर्शन में मेरा कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। बट इस पोर्शन में मैं जैसे ही लेके जा रहा हूँ मेरा हैंड डिटेक्ट हो रहा है। तो यही अप्रोच मैंने यहाँ पर यूज करी है। तो अभी के लिए मैं इस पोर्शन को मिनिमाइज कर देता हूँ और अपने मीडिया प्लेयर को यहाँ पर ओपन करता हूँ और आपको उसमें जेस्चर पास करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया है और अब मैं अपने हैंड जेस्चर की हेल्प से इस मीडिया प्लेयर को कंट्रोल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट हैंड। अभी मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं अपने कीबोर्ड का भी यूज नहीं करूंगा, मैं वेबकैम की हेल्प से मैं जैसे ही अपने फर्स्ट पोर्शन में अपना हैंड लेके जाऊंगा ये वीडियो प्ले होगी, पॉज होगी, मैं इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकता हूँ और इसे फॉरवर्ड भी मूव कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इनपुट से प्ले करके देखते हैं। सो गाइस देखिए ये यहाँ पर प्ले हो गई है। जैसे ही मैंने अपना एक जेस्चर इस तरीके से शो करा तो ये क्या प्ले पोजिशन में आ गई है। अब मैं इसे पॉज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए पॉज हो गई है। मैंने इसे इस तरीके से फिर से करा तो ये पॉज हो चुकी है। अब मैं इसे फिर से प्ले करके इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन करता हूँ। तो गाइस दिस इज इन प्ले पोजीशन और अब मैं क्या करूंगा इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन करूंगा। तो वॉल्यूम अप करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इसे इस तरीके का जेस्चर शो करूंगा और मेरी वॉल्यूम अप हो जाएगा। आफ्टर दैट मैं इसमें इस तरीके का जेस्चर पास करूंगा तो इसका वॉल्यूम जो है वो डाउन हो जाएगा। आफ्टर दैट अप एंड डाउन। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या जेस्चर सेट कर रहा हूँ, इसे कैसे ऑपरेट करा रहा हूँ। दिस इज माई सेकंड हैंड। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके After that, मैं फिर से इसका वॉल्यूम अप करता हूँ। ओके, अब अगर मुझे इसमें फॉरवर्ड मूव कराना है तो फॉरवर्ड मूव कराने के लिए मैं इस तरीके का जेस्चर यूज करूंगा और ये फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब आपने इसे ये मैंने पॉज कर दिया इसे, ये अब ये प्ले हो गई है। तो गाइस देखिए इस तरीके से मेरा हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन काम कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। ही कैन डिवाइड एंड कॉन्कर। तो आई होप यार आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे। तो चलिए इसे बंद करते हैं, इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रोजेक्ट डेमोंस्ट्रेशन पसंद आया होगा और आप लोग काफी एक्साइटेड हो गए इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। बट इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोड की जरूरत है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे कॉपी पेस्ट ना कीजिए।
वो लिंक आपको सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अगर आप इसे इंप्लीमेंट करते वक्त कहीं पर स्टक हो जाओ तो आप उसे एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। अगर आप उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लोगे तो यार आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैंने पूरा लॉजिक इस प्रोजेक्ट में क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है और फंक्शन क्या क्या यूज करें ये मैंने डिटेल में बताया है। और आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो यार आपको कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ यहीं पर ही समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन ये सारी की सारी चीजें क्या फंक्शन यूज करें ये सब चीजें इस अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इमेज प्रोसेसिंग के फंक्शंस काम कैसे करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है, आपको नॉलेज नहीं है, तो उसका भी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन निकाला है। मैंने पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज यहां पर अपलोड कर दी है, बस आपको यहां पर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहां पर आप लोगों को बेसिक पाइथन भी मिलेगा। आपको अगर बेसिक पाइथन नहीं आता है तो आप पहले बेसिक पाइथन सीखिए और उसके बाद यहां पर आपको इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इसे एक्सेस कीजिए और यहां पर सारी ट्यूटोरियल सीरीज है जहां पर मैंने सारे फंक्शंस के बारे में आपको बताया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन दिखाया है आपका हर एक प्रोजेक्ट में। अगर आपको उन फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना है तो यार ये रही सारे के सारे टॉपिक्स, आप पहले यहां पर आके इसे अच्छे से पढ़िए, बिकॉज आप लोगों को एक अच्छा डेवलपर बनना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो भी इंप्लीमेंटेशन है, जो भी लॉजिक है, आप इस वीडियो में सीख जाओगे। तो यार वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड होने वाला है। तो चलिए इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी आईडीई के पास। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडी स्पाइडर। मैंने आप लोगों को यहाँ पर लॉजिक और प्रोजेक्ट को अच्छे से समझाने के लिए कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे प्रोजेक्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करा है और आप इन 10 स्टेप्स को अगर समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने कैसे बनाया है, क्या अप्रोच यूज करिए, कौन कौन से फंक्शंस यूज करने हैं और मेरा लॉजिक क्या है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, इंपोर्ट लाइब्रेरीज एंड कैप्चर द कैमरा। तो जो भी मेरे लैपटॉप का या फिर आपको कोई भी वेबकैम एक्सेस करना है तो आप उसे कैसे एक्सेस करोगे और कौन कौन सी लाइब्रेरी का आप इसमें यूज करने वाले हो, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूं। तो मेरा स्टेप नंबर वन है वो यही है कि आप अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराओ, जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है, और अपने कैमरा को कैप्चर करो। तो यहाँ पर मैंने NumPy, OpenCV, Math, PY, AutoGUI और Time, इन लाइब्रेरीज का यहाँ पे यूज करा है। PY, AutoGUI का यूज मैंने इसलिए करा है सो दैट मैं अपने जेस्चर की हेल्प से अपने कीबोर्ड की कीज को कंट्रोल कर सकूं और कीज को प्रेस करने के लिए मुझे यहाँ पर PY, AutoGUI का यूज करना पड़ा। मतलब अगर मुझे अपनी कीज को सिमुलेट करना है, उसे मैन्युअली ना करके उसे ऑटोमेटिकली प्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ माय कोड, तो मुझे PY, AutoGUI का यूज करना पड़ेगा। और भी लाइब्रेरीज है बट अभी के लिए मेरे लिए यहाँ पर PY, AutoGUI मोस्ट रिक्वायर्ड है। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेप नंबर वन, सिर्फ लाइब्रेरी इंपोर्ट कराइए और अपना कैमरे को कैप्चर कराए। इसके बाद अगर आप स्टेप नंबर टू पे फोकस करोगे तो उसमें लिखा है कन्वर्ट फ्रेम्स इनटू HSV। अब अगर आपका जो वीडियो कैमरा है, जो कि मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है आपका वेबकैम, अगर मैं जीरो पास करूंगा तो आपका जो प्राइमरी कैमरा है लैपटॉप का वो एक्सेस हो जाएगा। अगर मुझे कोई एक्सटर्नल वेबकैम एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर अपना 1 भी पास कर सकता हूँ। और अगर आपको अपने फोन का कैमरा कनेक्ट करना है तो यार उसके लिए वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वो भी आप जाके देख लो। तो आप अपने मोबाइल कैमरे को भी एक्सेस कर सकते हो OpenCV के साथ। तो चलिए जो स्टेप टू है उस पर फोकस करते हैं। ये बोल रहा है कि भाई जो भी आपका वेब कैमरा जो भी वीडियो कैप्चर कर रहा है उसको फ्रेम बाय फ्रेम आप अपने लॉजिक में पास करोगे और हर एक फ्रेम को आपको HSV में कन्वर्ट करना है, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं ये सब चीजें। ये रहा मेरा इतना सेट ऑफ कोड। मैंने जो भी आपका कैप, जो भी आपका वेरिएबल है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपकी पूरी वीडियो कैप्चर हो रही है, जो कि आपका वेब कैमरा एक्सेस कर रहा है, वो वीडियो आपकी फ्रेम बाय फ्रेम इस लॉजिक में पास होगी इस लूप के अंदर। और पास होने के बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप नंबर टू, आपका हर एक फ्रेम इजिली कन्वर्ट होगा HSV में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रॉप इमेज क्या है या फिर ये रेक्टेंगल क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा डिवाइड कीजिए, और आपको याद होगा कि मैंने अपनी जो रिजल्ट विंडो थी उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। तो जो ब्लू बॉक्स था वो ब्लू बॉक्स मैंने यहीं पर ही बना दिया, और उस ब्लू बॉक्स का नाम है क्रॉप इमेजेस। मैंने उसका साइज फिक्स करा है, मैंने बोला जो उसकी विड्थ होगी वो इतनी होगी और जो उसकी हाइट होगी वो इतनी होगी। तो इस तरह से मैंने अपनी रिजल्ट विंडो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है गाइस। और इससे पहले वाले स्टेप पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पर मैंने अपने कैमरे को फ्लिप करा है। ये रिक्वायर्ड नहीं है गाइस, बट आप लोगों को पता होगा कि कैमरे के सामने या फिर अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो अगर आप लेफ्ट हैंड उठाते हो या फिर आप अपना लेफ्ट पोर्शन
एक्टिव करते हो तो वहां पर आपको राइट दिखता है, और यहाँ पर अगर आप राइट यूज करते हो तो वहां पर आपको लेफ्ट दिखता है। तो मिरर क्या करता है, उसे फ्लिप कर देता है। तो मैंने इसीलिए क्या करा है, इसे अगेन फ्लिप कर दिया है, सो दैट आपका जो भी बैलेंसिंग पॉइंट है, मतलब अगर आप राइट हैंड पॉइंट करो तो वहां पर भी आपका राइट हैंड दिखे, और अगर आप लेफ्ट हैंड पॉइंट करो तो वहां पर भी आपका लेफ्ट हैंड ही दिखे कैमरे में। तो इस वजह से मैंने अपने फ्रेम्स को फ्लिप करा है। ये जस्ट लॉजिक है गाइस, आप लोगों को अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसे सेट करना रहेगा। अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि फ्लिप हो तो आप इसे कमेंट आउट भी कर सकते हो। तो आई होप यार इतना समझ में आ गया होगा। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट और भी बच गया है गाइस, वो था आपके ट्रैक बार्स। ट्रैक बार्स आपके ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे स्टेप में काउंट नहीं करा है। बट अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि आप ट्रैक बार कैसे बनाओगे, तो इसके बीच में मैं अपने सारे ट्रैक बार्स यहाँ पर बना देता हूँ। मेरा जो एक ट्रैक बार का पूरा कलेक्शन है, वो एक अलग स्क्रीन पे बन रहा था, और उस स्क्रीन का नाम था कलर एडजस्टमेंट। तो मैंने अपनी एक विंडो बनाई है, उसका नाम दे दिया है कलर एडजस्टमेंट। अब जो कलर एडजस्टमेंट है, ये हर बार क्या करेगी, रैंडम फंक्शन को, मतलब आपका जो एक फंक्शन है, अगर आप उसे क्लिक नहीं करोगे तो वो हर बार एक अपनी एम्प्टी फंक्शन को कॉल कराती रहेगी, और उस फंक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया, नथिंग। मतलब अगर आप कोई भी ट्रैक बार यूज नहीं करोगे तो क्या करेगी, अपने इस फंक्शन को हर बार कॉल कराती रहेगी, बिकॉज आपकी जो भी अननोन वैल्यूज है वो गेट होती रहे, और आपकी डायनेमिकली वैल्यू आपके ट्रैक बार पर शो होती रहे। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारे ट्रैक बार क्रिएट कर लिए हैं, ट्रैक बार्स को नाम दे दिया है, और उन्हें यह भी बता दिया कि आपको किस एक स्क्रीन पे लाए करना है, और उस स्क्रीन का नाम है यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट। मैंने इन्हें यह भी बता दिया कि इनकी रेंज क्या होगी, 0 से 255, और अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 255.255 है, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी 255, और जो एंडिंग पॉइंट है वो भी 255 है। मतलब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को 0 पे ना फिक्स करके 255 पर ही फिक्स कर दिया है। ओके, और अगर आपको ट्रैक बार्स के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो यार आपको मेरी ट्यूटोरियल सीरीज एक्सेस करनी पड़ेगी। अभी के लिए मैं बस आपको यही बता सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने ट्रैक बार्स बनाए हैं और कलर एडजस्टमेंट नाम की एक विंडो पे उन्हें फिक्स कर दिया है। तो ये आपका ऑप्शनल पार्ट है, इतना पार्ट अगर आप चाहो तो इन्हें बना सकते हो, नहीं चाहो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हो। बट अगर आप इन्हें स्किप करोगे तो फिर आपको मैनुअली कलर की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो चलिए, इतना काम मेरा हो गया है, और अब स्टेप थ्री की तरफ चलते हैं और देखते हैं स्टेप थ्री क्या बोल रहा है। स्टेप थ्री बोल रहा है गाइस कि ट्रैक हैंड ऑन कलर बेसिस। मतलब आपको याद होगा जब मैं अपने हैंड को कैप्चर करा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपने ब्लू बॉक्स में अपने हैंड को रखा था, मैंने ट्रैक बार को मूव कराना स्टार्ट करा था, और जैसे जैसे मैं ट्रैक बार को मूव करा रहा था, जो मेरा हैंड है वो कैप्चर हो रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि जो ट्रैक बार की वैल्यूज थी वो कहीं ना कहीं जाके तो किसी एक वेरिएबल में या फिर किसी एक स्ट्रक्चर में पास हो रही होंगी, तभी तो मेरा हैंड कैप्चर हो रहा था। तो वो कौन सा वेरिएबल था या स्ट्रक्चर था जहां पर आपकी ट्रैक बार की वैल्यूज पास हो रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। वो था आपका सिंपल अपर बाउंड ऑफ कलर एंड लोअर बाउंड ऑफ कलर। ये देखिए गाइस, डिटेक्टिंग हैंड वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे ट्रैक बार्स काउंट कीजिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 ट्रैक बार्स है, इनकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है। ये है आपका क्रिएट ट्रैक बार और ये है आपका गेट ट्रैक बार। मतलब जो भी आप वहां पे परफॉर्म करोगे, अपने ट्रैक बार को मूव करोगे, आपकी सारे की सारी वैल्यू यहाँ पर पास होगी। कहाँ पर पास होगी, आपके इस वाले फंक्शन में आके पास होगी। मीन्स जो भी ट्रैक बार की वैल्यू आप वहां पर सेट करोगे, ये वहां पर गेट कर लेंगे इस लूप के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो गेट ट्रैक बार पोजिशन लगा हुआ है। ये वैल्यू गेट करके इन वेरिएबल्स को दे देंगे, और ये वेरिएबल मैंने अपर बाउंड और लोअर बाउंड में पास कर दिया है। मतलब आप जहां पर भी ट्रैक बार की वैल्यू फिक्स कर दोगे, वो इंटीजर वैल्यू यहां पर आके पास हो जाएगी। दैट्स इट, ये इतना सा काम करेगा जो भी लॉजिक अभी तक मैंने लिखा है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको ट्रैक बार की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको ट्रैक बार यूज नहीं करना है, तो आप इतना कोड यहां से हटा दीजिए और इतना कोड यहाँ से हटा दीजिए। आपको कोई आपके कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इतना इतना स्किप कर देते हैं। बस आपको एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी, आपको यहाँ से इन वेरिएबल्स को हटा के यहाँ पर आपको किसी एक स्पेसिफिक कलर की HSV डालनी पड़ेगी, आइदर रेड, ब्लू, ग्रीन, जिसको भी आप डिटेक्ट कराना चाहते हो, या फिर आप अपना स्किन कलर भी डाल सकते हो, बिकॉज आपको तो अपना हैंड डिटेक्ट कराना है। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ट्रैक बार का यूज करिए, ये आपके कोड को एक डायनेमिक अप्रोच प्रोवाइड कराता है और उसे यूजर फ्रेंडली बनाता है। हमारा जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हम अपने यूजर को कितनी ज्यादा से ज्यादा फिजिबिलिटी दे पाए, बिकॉज यूजर का अगर मन चाहे तो किसी और कलर को भी डिटेक्ट कर सकता है, किसी और ऑब्जेक्ट का कॉन्टूर और कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट भी निकाल सकता है। तो ये यूजर पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को बस इतना ही बोलूंगा कि आप ट्रैक बार का यूज कीजिए, ये आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और यूजर के लिए भी अच्छा होगा। तो यार आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने ट्रैक बार का यूज क्यों किया है, फ्लिप का यूज क्यों किया है।
अब अगर आप सोच रहे होंगे कि रिसाइज क्यों किया है, तो गाइस सोचिए मत, रिसाइज मैंने इसलिए करा है बिकॉज अगर आप इसे नॉर्मली एग्जीक्यूट कराओगे तो आपका जो आउटपुट स्क्रीन है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और मुझे आपको मल्टीपल स्क्रीन शो करनी थी तो मैंने इसे एक छोटे से पार्ट में रिसाइज कर दिया है। और वो छोटे से पार्ट क्या था कि जो आपकी विड्थ होगी वो इतनी होगी 600, जो हाइट होगी वो 500 होगी। तो रिसाइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या था आपका, आपकी कलर वैल्यू यहाँ पर आपने पास कर दी, मतलब जो भी कलर वैल्यू आपको डिटेक्ट करानी है ट्रैक बार से फिक्स कीजिए, वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड में पास हो जाएंगी। इसके बाद आपका स्टेप नंबर 4 आता है, तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो स्टेप नंबर 4 है क्रिएट मास्क ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड फिल्टर एक्चुअल कलर। ये बोल रहा है कि भाई जो भी कलर आप डिटेक्ट कराना चाहते हो अब आपको उन्हें फिल्टर करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। कलर तो आपने यहाँ पर फिल्टर कर ही लिया एक तरह से, एक कलर की रेंज आपने पास कर दी लोअर बाउंड और उसका अपर बाउंड, मतलब आप बोल रहे हो कि कलर की स्पेसिफिक रेंज है जिसकी लोअर वैल्यू यहां तक हो सकती है जो कि ट्रैक बार देगा, और अपर वैल्यू यहां तक हो सकती है जो भी ट्रैक बार देगा जो कि आप लोग सेट करोगे। अब बस काम क्या करना है, मुझे इसका मास्क करना है और मास्क करने के बाद इन पे फिल्ट्रेशन परफॉर्म करानी है। तो दो स्टेप का प्रोसेस और है और मैं आप लोगों को सिंपली दिखा देता हूं इसे। स्टेप नंबर 4 क्रिएटिंग मास्क और फिल्टर मास्क विद इमेज, मतलब इमेज में से वही कलर आएंगे जिनकी रेंज आपने पास करी है। तो देखिए मैंने यहां पर इन रेंज फंक्शन का यूज करा है। इन रेंज फंक्शन में आप क्या करोगे, अपनी HSV वाला पार्ट पास कर दोगे और अपर बाउंड और लोअर बाउंड पास कर दोगे, मतलब जो भी आपने इमेज HSV में कन्वर्ट करी थी वो इमेज पास कर दोगे और उसे बोलोगे सिर्फ मुझे इन्हीं कलर वैल्यूज के रेंज की पिक्सल एरे चाहिए, मतलब सिर्फ वही पिक्सल चाहिए जो कि इस कलर रेंज में अवेलेबल हो। जब आपको वो सारे के सारे पिक्सल वैल्यू मिल जाएंगी और वो वैल्यू आपकी जाके मास्क में सेव हो जाएगी, आप क्या करोगे उसे फिल्टर करोगे विद द हेल्प ऑफ बिटवाइज एंड। फिल्ट्रेशन कौन परफॉर्म कराएगा, आपका बिटवाइज एंड परफॉर्म कराएगा। अब अगर आपको ये भी नहीं पता है कि बिटवाइज एंड कैसे काम करना है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, ट्यूटोरियल सीरीज एक्सेस करनी है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ फंक्शंस और लॉजिक्स के बारे में बताऊंगा, फंक्शन को डिटेल में पढ़ने का भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप जाइए ट्यूटोरियल सीरीज को एक्सेस करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस सिंपल मैंने अपनी क्रॉप इमेज पास करी, फिर से मैंने अपनी क्रॉप इमेज पास करी और यहाँ पर क्या बोलते हैं मास्क, ये वाला मास्क। गाइस अगर आप यहाँ देखोगे तो एक मास्क ये है और इक्वल टू में एक मास्क ये है, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस असाइनमेंट बोल सकते हो आप इसे, बट ये मास्क आपका सिंपल एक पैरामीटर है और ये वाला मास्क आपका ये वेरिएबल है। मतलब अगर आप चाहो तो इस मास्क का नाम भी चेंज कर सकते हो, कुछ और रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर सेम रख दिया है, आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। ये आपका पैरामीटर है और ये आपका ये वाला आपका वेरिएबल है। ओके, आप ये नहीं सोचोगे कि ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, नहीं, वो जस्ट मैंने कर दिया है सेम, आप लोग चाहो तो इसका और इस वाले का नाम चेंज कर सकते हो। तो इतना काम हो गया गाइस, स्टेप नंबर 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब आपका अगर आपने अपने हैंड या फिर अपने अपनी स्किन कलर का यहाँ पर फिक्स कर दिया अपने ट्रैक बार से वैल्यूज, तो वही वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ फिल्टर होके आप लोगों को दिखेंगी, बाकी सारी आपकी बैकग्राउंड में छूट जाएंगी। अब चलते हैं स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 बहुत ही बेटर है और इससे आपके रिजल्ट को अच्छा और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन मिलेगा, मतलब आपके रिजल्ट तो आ गया बट आप अपने रिजल्ट को इनहेंस कर रहे हो, तो स्टेप 5 में मैं यही करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं पहले पढ़ के कि स्टेप 5 है क्या। स्टेप 5 क्या बोल रहा है, इन्वर्ट पिक्सल वैल्यू एंड देन इनहेंस द रिजल्ट फॉर बेटर आउटपुट। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मैं अपने पिक्सल वैल्यू को इनहेंस करने वाला हूं, अब कैसे करूंगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो स्टेप 5 क्या बोल रहा है, यहां पर एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा गया मास्क 1। तो सबसे पहले क्या बोला था, इन्वर्ट। इन्वर्ट क्यों कराया गया, बिकॉज इसके बाद मुझे डिटेक्ट करने हैं कॉन्टूर्स और कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट। अब कॉन्टूर्स डिटेक्ट करने का एक छोटा सा और बहुत अच्छा अप्रोच है, वो क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होना चाहिए और जो भी चीज आप डिटेक्ट करा रहे हो वो हमेशा व्हाइट में दिखनी चाहिए, मतलब कि फोरग्राउंड आपका व्हाइट और बैकग्राउंड आपका ब्लैक। तो इसीलिए मैंने जो भी मेरा यहाँ पर मास्क में आउटपुट आ रहा था मैंने उन्हें क्या कर दिया है, सिंपली बिटवाइज नॉट कर दिया है, मतलब कि ब्लैक का व्हाइट कर दिया है और व्हाइट का ब्लैक कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा और जो मेरा फोरग्राउंड है वो मेरा व्हाइट हो जाएगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट में डिटेक्ट कराना चाहता हूँ वो व्हाइट कलर का दिखेगा, और अगर वो व्हाइट कलर का दिखेगा तो मेरे कॉन्टूर्स बहुत इजीली बन जाएंगे उस पर। कॉन्टूर्स डिटेक्ट ही इसी तरीके से होते हैं, बस आप लोगों को जो भी आपका मास्क आएगा उसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका सिंपली फोरग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड आपका ब्लैक होना चाहिए। आफ्टर दैट गाइस यहाँ पर आप लोगों को तीन लाइनें दिख रही होगी, पहला MG है, दूसरा आपका थ्रेश है एंड देन डायलेट।
अब जो एमजी है ये तो सिंपल आपका ट्रैक बार है जो कि मैंने थ्रेशोल्ड फिक्स करने के लिए बनाया था, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज जब आप कलर बेसिस पे यहाँ पर डिटेक्ट करोगे तो इसका कोई ज्यादा यहाँ पर काम नहीं है। उसके बाद अगर आप थ्रेश देखोगे तो थ्रेश का यहाँ पर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपने जो भी मास्क बनाया है आप अपने पिक्सल वैल्यू की थ्रेशोल्ड भी सेट कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो एक पिक्सल वैल्यू सेट कर दो, उसके ऊपर की रेंज के पिक्सल आपको दिखाई देंगे और उसके नीचे की रेंज के पिक्सल आपके ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कुछ पिक्सल्स को वैनिश कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। तो मैंने इसे सेट कर दिया है बट इसका यूज नहीं करा है क्योंकि मैंने अपने कलर बेसिस पे अपने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कराया है तो इसका यहाँ पर कम ही यूज पड़ता है। आफ्टर दैट मैंने डायलेट करा है। डायलेट करने का रीजन ये था कि अगर मेरी पिक्सल में कुछ भी नॉइज हो, मतलब कि जितने भी मेरी पिक्सल आ रहे हैं और मेरी इमेज में अगर कुछ भी नॉइज हो तो डायलेट उसे इजिली हैंडल कर सकता है। अगर डायलेट भी नहीं कर पाएगा तो मुझे एरोजन परफॉर्म कराना पड़ता, बट डायलेशन से मेरा काम हो गया था तो इसलिए मैंने एरोजन परफॉर्म नहीं कराया है। अब आगे देखते हैं, आई होप आपको स्टेप नंबर 5 समझ में आया होगा। सिंपल, जो भी मेरा मास्क बना था उस मास्क को मैंने बिटवाइज नॉट कर लिया है और नॉट करने का मोटिव यही था कि फोरग्राउंड आपका व्हाइट हो जाए और बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो जाए। यहाँ पर एक और चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो मैंने लिखा है थ्रेश बाइनरी। ये थ्रेश बाइनरी सिर्फ और सिर्फ इतना करेगा कि जितनी भी पिक्सल वैल्यूज है आपकी वो आपका A1 चैनल पे सेट कर देगा। वैसे तो जो आपकी इमेज है वो 3 चैनल इमेज होती है बट यहाँ पर अब आपकी जो इमेज है वो आपकी सिंगल चैनल इमेज हो जाएगी, मीन्स आपका सारे पिक्सल ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्मेट में ही यहाँ पर ऑपरेट होंगे। इट मींस कि जो मास्क 1 में आपके ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल्स आए हैं उनकी वैल्यू को इसने और भी ज्यादा इनहेंस कर दिया है। तो अगर कोई एरर आ भी रही होगी या फिर कहीं पर आपका पिक्सल वैल्यू डिस्टॉर्ट भी हो रहा होगा तो ये उसे इजिली हैंडल कर लेगा। तो चलिए, इतना काम मेरा हो गया है। ये सब मैंने क्यों करा था, क्योंकि मुझे कॉन्टूअर्स डिटेक्ट कराने थे और कॉन्टूअर डिटेक्ट कराने के लिए सिंपल सा फंक्शन है मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जिसका नाम है फाइंड कॉन्टूअर और वही है मेरा स्टेप नंबर 6। तो चलिए अपने स्टेप नंबर 6 की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आपका ये आ गया स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में दोस्तों मैंने बस इतना करा है, जो भी आपने मास्किंग करी है, थ्रेशोल्ड निकाला है और ट्रैक बार की हेल्प से जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करा है उनका मैंने कॉन्टूअर बना दिया है। अब कॉन्टूअर्स की हेल्प से मैं कॉन्वेक्सिटी हल और कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट निकालूंगा और उसके बाद उन्हीं के बेसिस पे मैं अपने हैंड जेस्चर को उनके साथ बाइंड कर दूंगा और अपने मीडिया प्लेयर को कंट्रोल करूंगा। तो मैंने ये फटाफट बोल दिया, आइए इसे फटाफट से इंप्लीमेंट भी कर देते हैं। कॉन्टूअर यहाँ पे निकल गए, जितने भी कॉन्टूअर्स आपके बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर सेव हो जाएंगे इस CNTS नाम के वेरिएबल में और ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में सेव होंगे। अगर आप लोगों को इसे कंफर्म करना है तो जब भी आप इस कोड को ऑपरेट कराओ आप इसका टाइप भी प्रिंट करा के देख सकते हो और आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका टाइप क्या है। ये सब चीजें मैंने करके दिखा रखी है पहले। सो गाइस, कॉन्टूअर तो यहाँ पर डिटेक्ट हो गए। अब कॉन्टूअर के साथ मुझे करना क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें से मुझे कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट और कॉन्वेक्स हल ये सब चीजें फाइंड करनी है, बट किसकी फाइंड करूंगा, जो कि सबसे बड़ा कॉन्टूअर होगा, मतलब जो कॉन्टूअर मेरा सबसे ज्यादा एरिया लेगा उसका मैं क्या करूंगा, एक कॉन्वेक्सिटी हल या कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट फाइंड कर लूंगा। तो जो मुझे मैक्सिमम एरिया निकालना है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैक्स फंक्शन की हेल्प से, और यही है मेरा स्टेप नंबर 7। अब मैंने यहाँ पर ट्राई क्यों यूज करा है, ट्राई यूज करने का मेरा रीजन ये है गाइस कि अगर सपोज करो कोई कॉन्टूअर नहीं बनता है, मेरा कॉन्टूअर 0 हो जाता है तो ये एरिया भी नहीं निकाल पाएगा किसी भी कॉन्टूअर का, तो यानी कि यहाँ पर मेरी एक एरर रेज हो सकती है। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करा है और शायद अगर आप लोगों ने पाइथन इंटरमीडिएट पढ़ी होगी मेरी तो मैंने ये पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में कवर करा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वहां पर मैंने आपको हर एक चीज बताई है कि इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो एरर को मुझे अवॉइड करना था, अपने कोड का ग्रेसफुल टर्मिनेशन करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करा है। तो ट्राई में मैंने सिंपली क्या बोला, स्टेप नंबर 7, कि जो जितने भी कॉन्टूर बनेंगे, मतलब CNT में जितना भी आपका लिस्ट में जो भी कॉन्टूर रहेगा उनमें से मुझे मैक्स वाला दे दो। मैक्स वाला कॉन्टूर मैंने CM नाम के एक वेरिएबल में सेव करा दिया है। उसके बाद मैंने एप्सिलॉन और अप्रॉक्स पॉलीडीपी ये दोनों चीजें परफॉर्म कराई है, मतलब कि जो भी मैक्सिमम कॉन्टूर बनेगा उसकी एक आर्क लेंथ निकालो और उसे इतने से मल्टीप्लाई कर दो। इससे ये होगा गाइस कि जो भी मेरी फिगर बनेगी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिक्स कर देगा, मेरे जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है वो सारे के सारे आप लोगों को बहुत बेटर तरीके से विजिबल होंगे और पॉलीडीपी सिंपली आपका जो भी एप्सिलॉन बना है उसे इनहेंस करेगा। मतलब बोलने का यह है कि अगर एप्सिलॉन से कुछ भी गलती हो जाती है या फिर ये कोई भी पार्ट छोड़ देता है तो उसे कौन कवर कर लेगा,
पॉलीडीपी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी मैंने सिंपल अपना मैक काउंटर पास करा और यहाँ पर भी मैंने अपना मैक्स काउंटर पास करा है और एलिप्सन पास करा है, मतलब ये जो भी गलती करेगा या जहां पर भी थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन छोड़ देगा उसे मेरा पॉलीडीपी कवर कर लेगा। ओके, ये सारे के सारे आपके प्रिकॉशंस है या फिर आप बोल सकते हो सेफ्टी मेजर बोल सकते हो, क्योंकि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसलिए मैंने ये सब चीजें पहले से फिक्स कर दी। जब मेरा यहाँ पर कॉन्टूअर डिटेक्ट हो गया तो जो भी मैक्सिमम एरिया था मेरे कॉन्टूअर का उसके चारों तरफ मुझे कॉन्वेक्स हल बनाना था। कॉन्वेक्स हल क्या था गाइस, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा जब मैं आप लोगों को ये प्रोजेक्ट डेमोंस्ट्रेट कर रहा था तो मेरा जो हैंड था वो रेड कलर की एक पूरी की पूरी लाइन में कवर हो रहा था और उस रेड कलर की लाइन को भी एक प्रॉपर ग्रीन कलर का बॉक्स रैप अप कर रहा था। तो जो ग्रीन कलर का बॉक्स था वो था आपका कॉन्वेक्स हल और जो रेड कलर की लाइन थी मेरी फिंगर्स के चारों तरफ वो था आपका कॉन्टूअर। तो ये दोनों चीजें जब यहाँ पर आ गई है बस मैंने इन्हें अपने फिगर पे ड्रॉ कर दिया है, मतलब कि मेरा कॉन्टूअर था वो भी ड्रॉ हो गया है मैक्सिमम वाला और जो मेरा कॉन्वेक्स हल था वो भी ड्रॉ हो गया है। इतना काम मैंने कर लिया है, ड्रॉ करना जरूरी नहीं था बट यूजर को एक अच्छी तरीके से दिखना चाहिए कि उसने करा क्या है, तो इसी वजह से इसे हमें ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है। अगर आप चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो बट दिखाओगे तो आप लोगों के लिए भी बेटर होगा और यूजर के लिए भी बेटर होगा। तो चलिए इसके बाद स्टेप नंबर 8 की तरफ चलते हैं और स्टेप नंबर 8 में मुझे अपने कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट के बारे में बात करनी है। कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट के बेसिस पर ही मैं ये फिक्स करूंगा कि मेरा कौन सा जेस्चर कहां पर पास होगा। तो यहां पर बस आप लोगों को कोसाइन रूल का यूज करना है, कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट का यूज करना है, यही सारी की सारी चीजें जो कि आप लोगों को आपका आउटपुट प्रोवाइड कराएंगी। तो स्टेप नंबर 8 का सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो भी आपका कॉन्वेक्सिटी हल बना था उसके बेसिस पे आप कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट निकालोगे। डिफेक्ट ये होता है कि जहां पर आपकी फिगर कहीं थोड़ा सा भी डिस्टॉर्ट हुई हो, मतलब जो भी फिंगर पॉइंट्स हैं आपके, स्टार्टिंग पॉइंट, एक फार पॉइंट हो गया आपका, ये सारी की सारी चीजें आपकी जहां पर भी आएगी आपके कॉन्टूअर में या फिर आपके कॉन्वेक्स हल में ये उन्हें डिटेक्ट कर देगा और उसको नाम दिया गया है कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट। तो जितने भी इसमें डिफेक्ट निकले हैं वो सारे के सारे एक डिफेक्ट नाम की लिस्ट में जाके सेव हो चुके हैं। यहां पर सेव होने के बाद गाइस मैंने उन सारे के सारे डिफेक्ट्स का यूज करा है और यूज करने के बाद मैंने ये सारे के सारे अप्रोचेस निकाल लिए हैं। अप्रोच का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन से थे, आपके एंड पॉइंट क्या थे और आपका फार पॉइंट कौन सा था। ये सब चीजें आपको मैन्युअली नहीं करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट लाके देगा बट आपको उसे कैटेगराइज करनी है, मतलब की डिफेक्ट्स नाम की लिस्ट में या फिर आप एरे बोल सकते हो, इसे एरे में आपके सेव हो चुका है। सेव होने के बाद बस मैंने उसमें से इसे गेट कर लिया है और गेट करने के बाद इन वेरिएबल्स में सेव करा दिया है। सेव कराने के बाद मैं इसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता हूं बट मुझे अभी इन सब का यूज नहीं करना है, मुझे फार पॉइंट का यूज करना है। ओके, और फार पॉइंट से जो भी चीज मैं निकालूंगा एक एंगल निकालूंगा और वो एंगल मैं ऐसे वैसे नहीं निकालूंगा, वो मैं कोसाइन रूल की हेल्प से निकालूंगा। यहां पर मैं सिंपल कोसाइन रूल बोल रहा हूं, अगर आपको कोसाइन रूल के बारे में भी समझना है तो आपको प्लेलिस्ट एक्सेस करनी पड़ेगी। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि जो भी मेरे फिंगर्स के बीच में व्हाइट कलर के डॉट बन रहे थे वो सारे के सारे आपके कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट थे और आप बोल सकते हो फार पॉइंट थे। और वो किस बेस पे बन रहे थे कि मेरे फिंगर्स के बीच में एंगल कितना है और वो एंगल कौन लाके देगा आपको, कोसाइन रूल लाके देगा। गाइस एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसको सिर्फ आपका अप्रोच समझना जरूरी है कि एक्चुअल में उसकी अप्रोच क्या यूज करी गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोसाइन रूल का यूज क्यों करा गया है। मैथ लाइब्रेरी भी इसी के लिए यूज हो रही थी। कोसाइन रूल कोई आपका इनबिल्ट फंक्शन नहीं है गाइस, ये आपको खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उसका इंप्लीमेंटेशन ये है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एंड पॉइंट का, फार पॉइंट का, स्टार्ट पॉइंट का कैसे यूज करना है और ये उसका प्रॉपर एक फॉर्मूला है। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो अगर आपको इसे भी पढ़ना है जाकर, इसका मैंने डॉक्यूमेंटेशन है तो आप वहां पर जाके इसे प्रॉपरली पढ़ सकते हो। अब एंगल के बेसिस पे मैं सारी की सारी चीजें कैसे फिक्स करूंगा बट अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी ये कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट कैसे बने थे तो बन तो गए हैं, ये बनने के बाद बस मुझे इसे आप लोगों को शो करना है और शो करने के लिए मुझे व्हाइट कलर के डॉट बनाने पड़ेंगे अपनी स्क्रीन में और व्हाइट कलर के डॉट कुछ इस तरीके से बनेंगे, मतलब कि अगर आपका एंगल 50 से कम होगा, आपके फिंगर के बीच का एंगल 50 से कम होगा तो वहां पर आपका एक डिफेक्ट बन जाए और आपका एक काउंट प्लस हो जाए, मतलब कि जैसे कि एक डिफेक्ट बना तो आपका काउंटर एक बार प्लस होगा, दो डिफेक्ट बने तो आपका काउंटर दो बार प्लस होगा और यहां पर मैंने एक काउंटर बना रखा है जिसका नाम क्या है, काउंट डिफेक्ट्स, उसी को मैं हर बार प्लस करता जा रहा हूं। तो गाइस ये आपकी सिंपल एक अप्रोच थी, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इतना करा है जो कि काम आपने अपने हैंड जेस्चर ऑफ काउंटिंग फिंगर में करा था। ये भी एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने इसी प्लेलिस्ट में रखा है स्टार्टिंग में, तो वहां तक मैंने ये काम करा था। अब मैं क्या करूंगा, अपने हर एक डिफेक्ट के साथ एक जेस्चर
होगा और उस जेस्चर के साथ में एक की को बाइंड कर दूंगा। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस, इसमें कोई इतना डायनेमिक अप्रोच नहीं है, बस ये आपका एक सिंपल सा लॉजिक है। मतलब आप जो भी जेस्चर दिखाओगे 1 2 3 4 उसके बेसिस पे आपका वहां पर एक की प्रेस हो जाएगी। तो देखते हैं वो की को मैं कैसे प्रेस करूंगा और किसकी हेल्प से करूंगा। तो ये आपका जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 9 और स्टेप 10। स्टेप 9 ही है बेसिकली, 10 तो आपका एंजॉय और आउटपुट है, तो ये आ जाएगा इसके बाद आपका आउटपुट क्या है। सिंपल आपका स्टेप नंबर 9, अगर आप यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया आपका स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 क्या बोल रहा है? ओके, तो स्टेप नंबर 9 बोल रहा है प्रिंट नंबर ऑफ फिंगर्स। आप यहाँ पर अच्छे से समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि जैसे ही आपका काउंट डिफेक्ट, मतलब अगर डिफेक्ट 0 के इक्वल है तो क्या आपका कोई भी टेक्स्ट पुट नहीं होगा, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आप नॉर्मली कुछ भी करिए, आपका आपके मीडिया प्लेयर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट जैसे ही आप 1 शो करोगे, मतलब जैसे ही आप अपना सिंपल एक हैंड प्रेस करोगे या फिर आप अपने कैमरे के सामने अपना हैंड लेके जाओगे, तो आपका काउंट डिफेक्ट 1 हो जाएगा और आपका स्पेस बार प्रेस होगा। तो अगर आपका जो मीडिया प्लेयर है वो अगर मूवमेंट में होगा तो वो पॉज हो जाएगा, और अगर वो पॉज होगा तो वो प्ले हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना, जब आप इसे ऑपरेट कराओ तो आप अपने माउस से अपने मीडिया प्लेयर को सेलेक्ट कर लेना, सो दैट आपका जो ये इनपुट है आपके मीडिया प्लेयर पे पास हो सके। ओके, तो उसके बाद गाइस प्ले पॉज तो आपको समझ में आ गया होगा। और प्रेस करने के लिए मैंने किसका यूज करा? पी डॉट प्रेस। अब ये पी क्या है? तो पी था आपका ये PY Auto GUI। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने PY Auto GUI का यूज क्यों करा है। विद द हेल्प ऑफ PY Auto GUI मैंने अपनी की को प्रेस कराया है ऑन द बेसिस ऑफ हैंड जेस्चर। मतलब कि ये रहा आपका, जैसे ही आपका डिफेक्ट 1 होगा वैसे ही आपका स्पेस बार प्रेस होगा। जैसे ही आपका काउंट डिफेक्ट 2 होगा, मतलब कि मैं अपनी फिंगर से 2 वहां पर शो करूंगा तो मेरा वहां पर 1 डिफेक्ट बनेगा। मतलब अगर मैं 2 शो करूंगा, सिर्फ अपनी 2 फिंगर्स को शो करूंगा तो मेरा डिफेक्ट तो 1 ही बनेगा, बट वहां पर ऑपरेशन कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको वॉल्यूम अप करना है तो डिफेक्ट आपके 2 कब बनेंगे? जब आप अपनी 3 फिंगर वहां पे पॉइंट करोगे, मतलब जब अपनी 3 फिंगर्स ओपन करोगे तो 2 डिफेक्ट बनेंगे, और 2 डिफेक्ट जैसे ही बनेंगे आपका अप बटन प्रेस हो जाएगा और आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी 4 फिंगर्स पॉइंट करोगे तो आपके डिफेक्ट हो जाएंगे 3, फिंगर्स होंगी 4, डिफेक्ट होंगे 3, और आपका जो वॉल्यूम होगा वो डाउन हो जाएगा। जब आपका काउंट डिफेक्ट 4 होगा, मतलब कि जैसे ही आप अपने सारे की सारे फिंगर्स वहां पर ओपन कर लोगे 5 की 5 फिंगर्स, तब आपके 4 डिफेक्ट बनेंगे, और 4 डिफेक्ट बनने के बाद आपका राइट बटन प्रेस होगा आपके कीबोर्ड का, और आपका जो भी मीडिया प्लेयर है VLC मीडिया प्लेयर बेसिकली, अभी मैंने उसके कंट्रोल बाइंड कर रखे हैं यहाँ पर, तो आपका जो वीडियो है वो फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा। तो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई और मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हो तो उसकी जो भी कीज होगी आप यहाँ पर पास कर देना, ये ऑपरेट हो जाएगा इजिली। अभी मैंने VLC का यहाँ पर कीबोर्ड कंट्रोल्स को यूज करा है तो ये अभी स्पेसिफिकली VLC के लिए चलेगा। अगर आपके पास कोई और मीडिया प्लेयर है तो उसकी कीबोर्ड कीज यहाँ पर आप पास कर देना, ये उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। After that, guys, simple, मैंने शो कराई है थ्रेश विंडो, फिल्टर विंडो। फिल्टर विंडो बस आपकी इसीलिए शो कराई है सो दैट आपको आउटपुट अच्छे से समझ में आ जाए कि आपका आउटपुट क्या पास हो रहा था। उसके बाद दिस इज योर रिजल्ट विंडो। और अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के बाद टर्मिनेट करना है, जब आपका मन भर जाए या फिर आपका काम खत्म हो जाए, तो टर्मिनेट करने के लिए सिंपली आपको एस्केप की का यूज करना है। एस्केप की ORD वैल्यू होती है 27। तो जैसे ही आप यहाँ पर एस्केप की प्रेस करोगे आपका कोड टर्मिनेट हो जाएगा और आप सारे विंडो इजिली एक साथ क्लोज कर पाओगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा हैंड जेस्चर बेस्ड मीडिया प्लेयर कंट्रोलर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार फिर से इसे ऑपरेट कराते हैं और इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो वॉल्यूम अप करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इसे इस तरीके का जेस्चर शो करूंगा और मेरी वॉल्यूम अप हो जाएगा। आफ्टर दैट मैं इसमें इस तरीके का जेस्चर पास करूंगा तो इसका वॉल्यूम जो है वो डाउन हो जाएगा। आफ्टर दैट अप एंड डाउन। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या जेस्चर सेट कर रहा हूँ, इसे कैसे ऑपरेट करा रहा हूँ। दिस इज माई सेकंड हैंड। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, After that, मैं फिर से इसका वॉल्यूम अप करता हूँ। ओके, अब अगर मुझे इसमें फॉरवर्ड मूव कराना है तो फॉरवर्ड मूव कराने के लिए मैं इस तरीके का जेस्चर यूज करूंगा और ये फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब अब मैं इसे, ये मैंने पॉज कर दिया इसे, ये अब ये प्ले हो गई है।
फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से मेरा हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन काम कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड ही कैन डिवाइड एंड कॉन्कर तो आई होप यार आप लोगों को अच्छा लगा होगा सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्रोजेक्ट काफी अच्छे से पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यार आपको कैसा लगा एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आता रहूंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ इस वीडियो में इतना ही टिल देन थैंक यू बाय बाय गाइस।